असलम स्टूडेंट्स, तो आज आई सी एम ए के केमिस्ट्री पोर्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट एम सी क्यूज हमारे पास है कि अगर हम कैथोड रेस के सामने एक लाइट पिन व्हील रख दें और उस तो वो रोटेट हो जाता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करता है? तो ये पार्टिकल नेचर हमें प्रूव करता है, ये प्रॉपर्टी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखिए, चार्ज जो है, चार्ज तभी प्रूफ होता है जब हम इन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट प्लेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो जिस प्लेट्स की तरफ, यानी अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो बेंड होता है, तो हमें इससे पता चलता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन डी में है। इलेक्ट्रॉन्स तो इसको बाद में नेम दिया गया, जब ये हमें पता चला गया कि ये नेगेटिवली चार्ज है, साइंटिस्ट को जब पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। सेकेंड जो है हमारे पास, वेदर द कैथोड रेस पार्टिकल हैव पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कैन बी डिटरमाइंड। सो चार्ज हम किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं? जब हम ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में उसको पास करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। थर्ड थर्ड में हमसे पूछा गया है कि 500 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा। तो देखिए, चार्ज के मास रेशो का हमें पता है कि वो 1.75 मल्टीप्लाई 10^11 कूलम्स पर केजी के इक्वल है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 केजी इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास इतना चार्ज होता है, 1.75 मल्टीप्लाई 10^11 कूलम। तो 500 मिलीग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो 5 × 10^-4 इलेक्ट्रॉन केजी इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है ना। 1.75 × 10^11 को मल्टीप्लाई करना है 5 × 10^-4 से के साथ। तो इससे हमारे पास आंसर 8.75 × 10^7 कूलम्ब आता है, और माइनस साइन हम इलेक्ट्रॉन के केस में लगाते हैं, ठीक है ना। फोर नंबर जो है, टोटल चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास जो है 1.6 × 10^-19 कूलम चार्ज होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1.6 × 10^-19 के साथ मल्टीप्लाई करें 10^1। देखिए, 10 को मैं 10^1 लिख सकती हूँ, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप -19 के साथ 1 प्लस करें, तो 1.6 × 10^-19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारे पास करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इफ E1, E2, E3 एंड E4 आर द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन। तो देखिए, एनर्जी डिफरेंस का ऑर्डर हमसे रिक्वायर है यहाँ, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग नोट कर लें कि जब हम न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हैं, एनर्जी डिफरेंस उतना ही डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन बी में जो है E2 − E1 एनर्जी डिफरेंस जो है यहाँ ज़्यादा है, E3 − E2 में एनर्जी डिफरेंस उससे थोड़ा कम है, और E4 − E3 में एनर्जी डिफरेंस जो है वो इस वाले से कम है, ठीक है ना। सिक्स नंबर जो है हमारे पास, द सीरीज करस्पॉन्डिंग टू N1 = 2 N2 = 4 लाइज इन द विजिबल रेंज एंड इज कर्व। तो देखिए, N1 जो है हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास बाल्मर सीरीज है, और N2 जो है 4 है। तो N1 2 है, तो ये हमारे पास बाल्मर सीरीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कि आउटर 4 शेल्स से हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन 2 में आता है। और यहाँ एक और हिंट ये भी है कि विजिबल रेंज में ये सीरीज लाई करता है, तो बाल्मर सीरीज भी विजिबल रेंज में ही लाई करता है। सेवन जो है हमारे पास, द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन ड्यू टू द फॉलोइंग ट्रांजिशन बिलोंग टू फंड सीरीज। तो देखिए, फंड सीरीज क्या होता है, जब हमारे पास आउटर शेल्स से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में आते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन फिफ्थ शेल में करते हैं, तो वो फंड सीरीज होता है। तो N1 हमारे पास 5 होना ज़रूरी है, और N2 जो है वो 6, 7, 8 और सो ऑन हो सकता है, ठीक है ना। एट नंबर जो है हमारे पास, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बोर्स मॉडल उस एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, हीलियम में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किस तरह, देखिए ऑप्शन एन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो 1 लॉस कर देता है तो 2 रह जाते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 1 लॉस कर लेता है तो 1 रह जाता है, ठीक है ना। बेरिलियम में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो 2 लॉस कर लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और हाइड्रोजन में एक ही होता है, जब वो लॉस कर लेता है तो 0 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो बोर्स मॉडल है वो एप्लीकेबल है सिर्फ हीलियम के लिए, ऑप्शन बी के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हाइड्रोजन एक्सेप्ट। तो हमें अब ऑप्शंस में क्या देखना है, कि वो ऐसा ऑप्शंस देखना है जो इलेक्ट्रॉन के साथ आइसो, जो हाइड्रोजन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो। तो यहाँ देखें, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 लॉस करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। लिथियम में 3 होते हैं, 2 लॉस करता है तो 1 रह जाता है। बेरिलियम में 4 होते हैं, 3 लॉस करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। बोरॉन में जो है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 3 लॉस करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इतनी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑप्शन ए में देखिए, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। चले वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन देखते हैं। हमें पता है डी ब्रॉली इक्वेशन में कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा,
वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज होगा, तो इनवर्स रिलेशन है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट रहता है, ठीक है। और सी में है केस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो चार्जलेस और मासलेस होते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास भी होता है और चार्ज भी होता है, सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट रहता है। इलेवन जो है द इजमुथल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू टू डिस्क्राइब, तो देखिए एस सबशेल सबशेल के लिए एल जो है जीरो होता है, पी सबशेल के लिए एल वन होता है, डी सबशेल के लिए एल टू होता है, और एफ के लिए एल जो है थ्री के इक्वल होता है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आता है। ट्वेल्व नंबर ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन एल एम और ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, आर पॉसिबल एक्सेप्ट, तो इस तरह क्वांटम नंबर आपने देखा है, देखना है इन ऑप्शंस में जो इम्पॉसिबल हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास एन स्मॉलर देन और इक्वल टू एल आ जाए, ठीक है ना, तो वो इम्पॉसिबल होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, एल जो है हमारे पास जब स्मॉलर आ जाए एन से, तब भी वो इम्पॉसिबल कंडीशन होगा, तो आप लोग देखें 3, 1 तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना, एन जो है ग्रेटर है यहाँ पर भी तो ये भी पॉसिबल है, एन यहाँ पर भी ग्रेटर है तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर देखें एन इक्वल टू एल है, ठीक है ना, तो ये इम्पॉसिबल क्वांटम नंबर है, ठीक है। 13 ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग टू इंफ्रारेड रीजन एक्सेप्ट, तो देखिए 11 सीरीज हमारे पास अल्ट्रावायलेट में होता है और ये बाकी तीन जो है ये इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आता है, ठीक है। 14 मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ पी ऑर्बिटल, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास शेल होता है जिसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल, शेल में सब शेल्स होते हैं या फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स में सब शेल्स होते हैं और ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स, ओके, ऑर्बिट्स का एग्जांपल जो है एस पी डी और एफ होता है, सब शेल्स में फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पी को ले लेती हूँ, पी में पी एक्स पी वाई और पी जेड होता है, तो पी ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट डी सब शेल लेवल सब इनर्जी लेवल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ, तो देखिए ये सब इनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट्स की बात की गई है, ठीक है ना, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, और हर एक में 2-2 होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 16 नंबर द नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर थर्ड इनर्जी लेवल, तो देखिए थर्ड इनर्जी लेवल हमारे पास अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉग्ली इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में मूवमेंट करते हैं, तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वेव फॉर्म में इस तरह मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट शेल हो गया, तो इस तरह वो मूवमेंट करते हैं, तो देखिए हमारे पास जितना इनर्जी लेवल है उतना ही हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स होते हैं, ठीक है ना, यानी थर्ड इनर्जी लेवल में हमारे पास 3 स्टैंडिंग वेव्स होंगे, ठीक है, थर्ड इनर्जी लेवल में 3 स्टैंडिंग वेव्स होंगे। नेक्स्ट इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज 4 देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी, सो हमें पता है कि शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला ये है 2n2, तो 4 शेल्स है एटम में, तो पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो फोर्थ शेल में इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, तो अगर इन सबको आप प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल 60 इलेक्ट्रॉन उस एटम में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है टोटल नंबर ऑफ सब इनर्जी लेवल इन द फिफ्थ इनर्जी लेवल इज, तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एस सब शेल है, ठीक है ना, सब इनर्जी लेवल है, एन इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें हमारे पास एस और पी 2 सब शेल है, तो इस तरह फिफ्थ इनर्जी लेवल में हमारे पास 5 सब शेल्स होंगे, ठीक है। 19 नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द फिफ्थ इनर्जी लेवल इज, तो ऑर्बिटल्स फाइंड करने का फॉर्मूला एन स्क्वायर है, तो आपने सिंपल क्या करना है, 5 5 25, ठीक है, 5। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम इन, तो कौन से शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला है जेड एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 2.18 मल्टीप्लाई 10^6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, तो वेलोसिटी और नंबर ऑफ शेल इनवर्सली रिलेशन है इसमें, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ शेल्स जब डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज होगी, तो फर्स्ट इनर्जी लेवल में सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। द स्टेटमेंट दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है हमारे पास ये स्टेटमेंट देता है, ठीक है। कलर ऑफ ग्लो प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो कलर ऑफ ग्लो हमेशा जो है गैस पर डिपेंड करता है, जो गैस आप यूज़ करते हैं इसके उनके अलग अलग कलर होंगे, यानी गैस जब आप डिफरेंट गैस यूज़ करते हैं तो उसके डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्लो होंगे। 23 में है गोल्डस्टाइन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज, फॉलोइंग फिगर शोज द एक्सपेरिमेंट, तो देखिए आप फिगर को, गैस आइटम्स है, जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये एनोड है और यहाँ कैथोड है, ठीक है ना, ये परफोरेटेड कैथोड है, तो जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये गैस आयनाइज हो जाता है, जब आयनाइज हो जाता है तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन है
यहां कैथोड की तरफ आना शुरू कर देते हैं और इन होल्स में से पास होकर यहां ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा गया है कि ये एक्स क्या है, तो ये गैस आयन है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। देखें एम है कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन उस केस में हो सकते हैं जब हम हाइड्रोजन गैस यूज करें, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, तो सिर्फ प्रोटॉन, जब वो आयनाइज हो जाता है तो प्रोटॉन उसे हम कहते हैं। सी में है न्यूक्लियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस ही हो, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। गैसियस आयन विद डबल पॉजिटिव चार्ज, तो डबल नहीं होता, प्लस वन चार्ज होता है, ठीक है ना, गैस आयन्स पर। 24 जो है चार्ज टू मास रेशो ऑफ केनाल रेज इज लेस देन दैट ऑफ द कैथोड रेज, द रीजन इज, तो देखिए चार्ज टू मास रेशो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मास के। तो देखिए जब मास हमारे पास ज्यादा होगा तो चार्ज टू मास रेशो हमारे पास कम होगा, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में है कि ग्रेटर चार्ज ऑफ द केनाल रेज, तो फिर तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, फिर ज्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। ग्रेटर मास एंड चार्ज ऑफ द केनाल रेज, तो दोनों अगर ग्रेटर होगी तो ज्यादा इफेक्ट इस पर नहीं होगा, और ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें कहा गया केनाल रेस जो है वो ग्रेटर चार्ज टू मास रेशो ऑफ केनाल रेस इज ग्रेटर डेट ऑफ द कैथोड रेस, तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ केनाल रेस जो है वो कम होता है, ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट जो है रंजन डिस्कवर्ड द एक्सरे एंड मोजले फाउंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड फ्रॉम एनोड इंक्रीजेज विद, तो देखिए हमें पता है कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एटॉमिक नंबर के, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, तो यहाँ मास नंबर का जिक्र किया गया है, यहाँ भी मास नंबर का जिक्र है, तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। इसमें है कि डिक्रीजेस इन द प्रोटॉन नंबर ऑफ द मेटल, तो वो डायरेक्ट रिलेशन है, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। डी में देखें इंक्रीजेस इन द प्रोटॉन नंबर ऑफ द मेटल यूज्ड एज एनोड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन नंबर को ही प्रेफर करते हैं, वैसे जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे कि पॉजिटिव एनायन या कैटायन के केस में जो होता है ना, आई मीन एनायन या कैटायन केस में हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर वो डिक्रीज तो नहीं होता, सेम ही होता है, यानी जब एक एटम पॉजिटिवली चार्ज हो तो हम ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इसका डिक्रीज हुआ है, वो वही होता है जो एटम का अपना एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट जो है देर आर फोर रेडिएशन वाई डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन आर गिवन बिलो, तो देखिए वेवलेंथ दिया गया है 530 और फिर x का दिया गया है y और फिर z, तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम इसको प्रिज्म में पास कर दें तो कौन सा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। देखिए बेंडिंग हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वेवलेंथ के, तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग कम होगा, तो देखिए z का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो z डायरेक्ट पास हुआ है, इसमें बेंडिंग ज्यादा नहीं हुई, फिर y है, फिर x है और फिर w, तो w में सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई है क्योंकि वेवलेंथ इसका कम है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास ऑब्टेन होगा, ये वाला स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो है इन द अबव फिगर द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन विल बी आर, तो देखिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, यहाँ देखिए अबव में देखिए यहाँ पर 530 नैनोमीटर है, फिर यहाँ 532 से स्टार्ट हुआ है 560 तक, फिर यहाँ 562 से स्टार्ट हुआ है 580 तक और 582 से 600 तक, तो देखिए यहाँ पर 2 नैनोमीटर की मिसिंग आई है, 2 नैनोमीटर की मिसिंग, तो वो मिसिंग जो है हमारे पास बाउंड्रीज के फॉर्म में अपेयर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट जो है इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 ग्राम मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10,000 मीटर पर सेकंड देन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो देखिए वेवलेंथ डी ब्रॉली इक्वेशन यूज करें, एच प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास ये है, ठीक है ना, और फिर मास जो है जब 0.1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया जाता है तो 10^-4 उससे बनता है, और फिर 10,000 को 10^+4 में लिखा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 6.6260 × 10^-34 लैम्डा है, तो मीटर का साइन लगाए, ठीक है ना। और यहाँ तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अ सोडियम लैम्प एमिट येलो लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 589 नैनोमीटर, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि एच सी और यहाँ वेव नंबर, ठीक है ना, वेव नंबर हमें पता है कि लैम्डा का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो चलिए एनर्जी फाइंड करते हैं। तो देखिए एच की जगह उसकी वैल्यू लगाए प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10^8, लैम्डा हमें दिया गया है 589 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर 10^-9 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए 10^-9 को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो वो +9 हो जाएगा, तो इन तीनों को 10^8 और 9 10^-34 से इसको माइनस कर दे, आई मीन -34 के साथ +8 और +9
दोनों सम अप करें तो उससे हमारे पास माइनस 17 आएगा, 10 पावर माइनस 17। तो 6.6262 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17 और डिवाइड करें 589 पर। तो देखें अगर मैं यहाँ जो है इस पॉइंट को जब मैं मूवमेंट ऊपर दूंगी तो मैं नीचे भी वही मूवमेंट पॉइंट को दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखें यहाँ मैंने राउंड ऑफ किया है वैल्यू को तो 6.63 बनाया है और ये पॉइंट जो है यहाँ से 1, 2 मूव किया है, ठीक है ना, यहाँ लाइन। तो देखिए हर एक नंबर के बाद पॉइंट होता है लेकिन हम नॉर्मली नहीं लिखते, तो पॉइंट को भी मैं यहाँ नीचे भी 2 मूव कर देती हूँ, 1, 2। और लूप्स में जो है मैं 0 भी लगा देती हूँ तो पॉइंट यहाँ आ गया। और 10 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17, तो फिर मैंने 6663 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17 और 589 के साथ मैंने मल्टीप्लाई 100 लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आप 663 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो इससे ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17। और ये 100 जो है आप इसको ऊपर ले आए तो 100 को जब मैंने ऊपर ले लाया तो -2 10 पावर माइनस 2 इससे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इससे फिर 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों जब हम सम अप करें। नेक्स्ट जो है आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस वाले पर, तो देखिए 19890, ठीक है ना, और 589 को बाहर लगा रहे तो देखिए अगर मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यू बहुत कम आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन, तो और 2 के साथ तो मल्टीप्लाई करूँगी तो 1200 से वैल्यू बहुत कम आएगी, तो इससे फिर भी वैल्यू कम है। 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैंने 1767 वैल्यू आ गई, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पर लगा ली। फिर 9 से 7 माइनस किया तो 2, फिर यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ भी 2, तो पॉइंट लगाए 0 और यहाँ पर 0 भी लगाए, ठीक है ना, और पॉइंट ऊपर भी लगा ली। तो देखिए इसके बाद और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शंस की तरफ देखें। ऑप्शन ए में देखें पॉइंट से पहले 3 है यहाँ पर, बी में पॉइंट से पहले 1 है, ठीक है ना, सी में पॉइंट से पहले 1 है, डी में पॉइंट से पहले 5 है, तो आपने उस ऑप्शन को करेक्ट मानना है जो पॉइंट से पहले 3 आता है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन ए को करेक्ट कर ले, ठीक है ना, लेकिन मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन जो है वो सही कर ले तो फिर ये वाला आंसर भी आपका सही आएगा। नेक्स्ट वन जो है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन फर्स्ट 4 इन अ जिलियन इन अ हाइड्रोजन एटम। सो इसमें हमसे स्पेक्ट्रल लाइंस रिक्वायर्ड है कि कितने स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होंगे जब इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट 4 इन अ जिलियन में लेवल जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट 4 इन अ जिलियन ड्रा करें, 1, 2, 3, 4। वैसे इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक ग्राउंड लेवल एक्साइटेड लेवल के लिए, तो अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आपको जो एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं आप उनको सिंपली ड्रा कर ले, ठीक है ना, उनको ड्रा कर ले और फिर यहाँ देखिए लूप्स बनाए। ये 4 नंबर है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर 3 से 2 और 2 से 1, फिर 2 से 1 की तरफ आ जाए, ठीक है ना। तो लूप्स कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, ठीक है ना, 6 स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेंस होंगे। 31, विच ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ 2। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर को कहते हैं, ठीक है ना, तो 3 जो है 3 और L 2 किसके लिए आता है, D के लिए, तो 3D इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इम्पॉसिबल क्वांटम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, आप यहाँ देखें ये फॉर्मूला है, आप इस पर अप्लाई करें। N अगर हमारे पास स्मॉलर और इक्वल टू L हो और L जो है सेकंड कंडीशन जो है L जो है स्मॉलर देन M हो तो वो इम्पॉसिबल क्वांटम नंबर है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट की तरफ देखें, N जो है हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ S सबशेल है, ठीक है ना, और S सबशेल के लिए L हमें पता है 0 होता है लेकिन यहाँ 1 है, तो इसलिए हम ऑप्शन A जो है ये अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है N इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 में S और P होता है, ठीक है ना, S और P ऑर्बिट्स, और n इज इक्वल टू 1 तो ये p के लिए है, और n इज इक्वल टू +1 तो px, py और pz में से py का जो है वो 0 है, px का +1 है और pz का -1 है, तो ठीक है ये अलाउड है। c में देखें n इज इक्वल टू 3, s, p, d इसमें हो सकते हैं, n इज इक्वल टू d तो इन्होंने d वाला सेलेक्ट किया है, और n इज इक्वल टू 0 तो n ऑर्बिटल्स में देखें d ऑर्बिटल्स में 5 डी ऑर्बिट्स में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनमें से किसी एक का जो है 0 n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी अलाउड है। डी की तरफ देखें n इज इक्वल टू 4, इसमें s p d f हो सकता है, l इज इक्वल टू 0 तो इन्होंने s सेलेक्ट किया है, और n इज इक्वल टू 0 तो s के लिए, ठीक है ये भी अलाउड है, तो जो अलाउड नहीं है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अलाउड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 3। तो देखें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने के लिए एन स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 3 है, 3 3 9। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर डी जनरेट इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। तो देखिए डी जनरेट कौन सा है, तो ऑप्शन ए की तरफ देखिए 3D, हाँ ये सी है, डी जनरेट हो सकता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, ये डी जनरेट हो सकता है, होता है।
3s जो है डिजेनरेट नहीं होता, तो ये वाला क्रॉस है। s जो है डिजेनरेट नहीं होता दोनों में, 1s और 2s दोनों डिजेनरेट नहीं होता। और 2d जो है 2d प्रेजेंट ही नहीं होता, 2 शेल में हमारे पास सिर्फ s और p होते हैं, तो ये भी क्रॉस है। नेक्स्ट, द क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाई द वे द ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड इन स्पेस। तो देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, एजीमुथल जो है सब शेल के बारे में, और मैग्नेटिक जो है ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर तो स्पिन के बारे में, तो सी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट, द साइज ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद, साइज जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एसोसिएट होता है। देखिए, अगर शेल शेल नंबर एन इज इक्वल टू 1 है और दूसरा जो है एन इज इक्वल टू 2 है, तो एन इज इक्वल टू 2 जो होता है इसके ऑर्बिटल्स सबसे बड़े होंगे एज कम्पेयर टू एन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। फिर एन इज इक्वल टू 3 इन दोनों से बड़े होंगे, तो इस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो है साइज एसोसिएट होता है। नेक्स्ट, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर में जितने वेव्स आते हैं उसे वेव नंबर ही कहते हैं। 38, इन अ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो अब लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं? तो देखिए, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, लेट सपोज ये लाइट हो गया, ठीक है ना। लाइट को अगर हम पास करें हाइड्रोजन एटम से, ठीक है ना, किसी भी गैस से, तो मैंने हाइड्रोजन एटम लिया है। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होता है, वो कुछ एनर्जी कुछ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है, और बाकी जो है यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएंगे। जब मैं उसको प्रिज्म में से पास कर लूँ, ठीक है ना, और यहाँ फिर उसे देखूँ, तो क्या होगा, ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ है कुछ जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हुए है, तो वहाँ पर ब्लैक सा आ जाएगा, ठीक है ना, ब्लैक लाइन आ जाएगा, और जो ट्रांसमिट हुए है वो ब्राइट आ जाएंगे, ठीक है ना, ये ब्राइट और ये डार्क। तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम कहते हैं कि लाइंस आर डार्क बट द बैकग्राउंड इज ब्राइट, ठीक है ना। तो अब देखिए, ऑप्शन में ब्राइट एंड डार्क लाइंस आर ड्यू टू द ट्रांसमिटेंस, ब्राइट जो है देखिए यहाँ से ट्रांसमिट हुआ है तो ब्राइट आया है, और डार्क लाइंस आर ड्यू टू एब्जॉर्बेंस, तो देखिए यहाँ इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए और यहाँ पर ब्लैक सा लाइन आ चुका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, सेपरेशन मांगा गया है। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, यहाँ सेकेंड शेल का जो है रेडिएशन रेडियस है, उससे फर्स्ट शेल का रेडियस आपने माइनस करना है, ठीक है ना। सेकेंड शेल का के रेडियस से फर्स्ट शेल का रेडियस माइनस करना है। तो देखिए, रेडियस का फॉर्मूला क्या है हाइड्रोजन के लिए, एन स्क्वेयर एन आर नॉट, ठीक है ना। आर नॉट हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। तो देखिए, सेकेंड शेल का जो रेडियस है, यहाँ मैं 2 लगा लूँगी, 2 ज़ा 4 आर नॉट, और यहाँ पर जब 1 लगा लूँ तो वो फर्स्ट शेल का होगा, तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, आर नॉट ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सेकेंड से फर्स्ट वाला माइनस कर ले तो उससे 3 आर नॉट आ जाएगा, ठीक है ना, 3 आर नॉट आ जाएगा। फिर आप 3 को लें और इसको मल्टीप्लाई करें 0.529, ठीक है ना। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1.587 वैल्यू आती है आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, कौन सी ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑर्बिटल। तो देखिए, ऑर्बिटल की डेफिनेशन है कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। रीजन है ये, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, ठीक है ना, और शेड भी नहीं है, तो ये रीजन है। नेक्स्ट जो है, द स्मोक इफेक्ट ऑफ इन फायरवर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो जिंक है, ठीक है ना। जिंक की वजह से स्मोक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये पेज 29 पर बुक में देख लें वहाँ पर। फिर जो है 42, गेमा एक्स रेस कब प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जब एल शेल से हमारे पास के शेल की तरफ ट्रांजिशन होती है तो के अल्फा प्रोड्यूस होता है, एम से जब के शेल की तरफ ट्रांजिशन होती है तो के बीटा, और एन से जब के शेल की तरफ ट्रांसमिशन होती है तो के गेमा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। बेरियम साल्ट इन अफाइल पर प्रोड्यूस, तो वो ग्रीन कलर ही प्रोड्यूस करता है। सोडियम जो है हमारे पास येलो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो चैप्टर 2 जो है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।